रोल, स्प्रिंग रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। हमारे साथ मौजूद है कृष्णा जी, जो जिमसे के होनहार स्टूडेंट हैं, और आज हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के पहले वनडे के बारे में। हाँ जी हाँ, भारत ने पहले वनडे मैच 67 रनों से जीत लिया है। वहीं पे रोहित शर्मा जो कि कप्तान थे वो 68 पारी खेले, वहीं पे विराट कोहली ने 67 पारी खेली। तो कृष्णा जी, कल का मैच आपको कैसा लगा? ठंड के माहौल में इतनी गर्मी वाली मैच कैसा लगा आपको मैच? बहुत मजा आया कल का मैच देखने में। सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 83 रन बनाए। उन्होंने अपनी फॉर्म में वापस आए, एक महीना पहले उनको चोट भी लगी थी उनके हाथ पे, पर तब भी उन्होंने तब के टाइम भी अच्छा खेला था, और कल उन्होंने जो अपनी वापसी करी है ओडीआई में, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 7,500 रन बनाए, कई साल एक रिकॉर्ड बने, तो क्या कहना चाहेंगे उस पे आप? बहुत बधाइयां उनको, उन्होंने 7,500 रन बनाया ऐसा ओपनर के तौर पे। सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में बनाए थे, और इस साल वर्ल्ड कप भी है, तो हमें ऐसा लगता है कि रोहित और विराट कोहली इस बार बहुत अच्छा खेलेंगे वर्ल्ड कप। विराट कोहली ने कल 67 पारी खेली, उसी वजह से हमें लगता है शायद मैच जीतने को मिला। हाँ। नहीं तो कहीं ना कहीं श्रीलंका मैच जीत जाती, 306 रन तो बना ही ली थी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे 67 पारी पे? जी, विराट कोहली का क्या ही कहना, उनकी वापसी हो रही है अब इसमें। एक महीना पहले भी उन्होंने शतक लगाया था, और कल भी उन्होंने 113 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्के उन्होंने जड़े हैं। उनकी बहुत ही अच्छी वापसी हुई है, उन्होंने पूरे ओडीआई में 45 सेंचुरीज लगा दी, और इंटरनेशनली 73 सेंचुरीज उन्होंने लगा दी हैं। अब ऐसा लगता है वो ओडीआई में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इसी साल तोड़ सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी वापसी हुई है। तो कहीं ना कहीं हुआ तेज गेंदबाज उमरान मलिक की भी बातें कर ले। उमरान मलिक तो बहुत बेहतर ही बॉलिंग की है कल, आप तो देखे ही होंगे। उनका तो अभी डेब्यू ही हुआ है, कल उन्होंने सबसे तेज अपनी बॉल फेंकी 156 की स्पीड से। उन्होंने T20 IPL अब ओडीआई में भी इतनी तेज बॉल फेंकी है, तो बहुत ही अच्छी लय में है उमरान मलिक। अब उनका तो जी क्या ही कहना, बहुत अच्छी बात है उनके लिए, बहुत बधाइयां उमरान मलिक को भी, जो अपनी स्पीड और लाइन का जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं कहां कमियां आपको देखने को मिल रही है श्रीलंका, जो मैच रश का पीछा करते हुए 306 रन पे 8 विकेट पे 50 ओवर खत्म हो गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे श्रीलंका में कहां कमियां देखने को आपको मिली बैटिंग करते हुए? अगर उनके श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका अगर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते, तो क्या पता श्रीलंका जीत भी सकती थी। उनका ओपनिंग थोड़ा सही गया था, फिर मिडल ऑर्डर जो है उनका अच्छे से नहीं कर पाया था, पर दसुन शनाका अगर स्टार्टिंग में आते और उन्होंने शतकीय पारी खेली 108 रन नाबाद, अगर पहले आते बल्लेबाजी करने के लिए, तो क्या पता वो अपनी टीम को मैच भी जितवा सकते थे। तो क्या आपको क्या लगता है कल वनडे में भारत और श्रीलंका का दूसरा मैच होने वाला है वनडे सीरीज का, तो क्या प्लेइंग 11 यही रहनी चाहिए कि कुछ चेंजेस होने चाहिए इसमें? मेरा इसमें कहना है इंडियन टीम को अपने में केएल राहुल की जगह ईशान किशन को करना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। एक महीना पहले उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। केएल राहुल का अभी इतना ठीक फॉर्म नहीं चल रहा है, तो ईशान किशन को लाना चाहिए, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, और अगर वो ओपनिंग करें रोहित शर्मा के साथ तो जी मजा आ जाएगा। तो कल का मैच धमाकेदार होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। और उम्मीद करते हैं, इनका मानना है कि राहुल की जगह ईशान किशन को खिलाना चाहिए था। धन्यवाद, ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आजकल न्यूज। नमस्कार।